नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडी बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? खबर है बायजूस से जुड़ी हुई, जो कि रविंद्रन बायजूस के फाउंडर हैं, उनके खिलाफ ईडी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। जी हाँ, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस क्यों जारी किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, और ये ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब जो थिंक एंड लर्न है, इसकी जो पेरेंट कंपनी, उनकी काफ़ी बड़ी एक बोर्ड बैठक होने जा रही है इन्वेस्टर्स के साथ। तो सारे मामले को मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस स्टडी बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब खबर क्या है? खबर यह है कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने जो थिंक एंड लर्न कंपनी, जिसको बायजूस कहा था, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, इसके जो फाउंडर हैं रविंद्रन बायजूस, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो देश छोड़कर भाग ना जाए। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को इसकी जानकारी दे दी गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो लगातार पिछले 2-3 सालों से दुबई और दिल्ली वो यात्राएं कर रहे थे, और ऐसे में जो ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो देश को छोड़कर ना जा पाए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि शुक्रवार को जो है वो बोर्ड की बैठक होने जा रही है रविंद्रन बायजूस के साथ इन्वेस्टर्स की, और ऐसे में पीछे से मांग उठ रही थी लगातार कि बोर्ड से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और लगातार संकटग्रस्त है ये कंपनी। और ऐसे में अब ये बोर्ड बैठक, जब बोर्ड उससे पहले लुकआउट नोटिस जारी करना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे, किस तरीके से क्या होगा, पूरा मामला बहुत दिलचस्प होगा। अब इसके पीछे के कारण क्या है वो जान लेते हैं। तो ईडी का कहना है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि फेमा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। रेमिटेंस के जरिए जो पैसा था भारत के जरिए बाहर भेजा गया है, और बाहर विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ तक कि ये भी है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया उससे भारत सरकार के रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। 2023 में भी थिंक एंड लर्न को शोकेस नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कई तरह के सवाल और जवाब पूछे गए थे, और उसमें भी नियमों का उल्लंघन देखा गया था। अब यहाँ पर ये मामला और ज़्यादा संगीन हो जाता है, यहाँ पर कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अब आगे फर्दर जो भी एक्शन होंगे, जो भी लिए जाएंगे, उसको लेकर अपडेट करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।